सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल वापस जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों जाएगी वापस, नहीं जाएगी, क्यों जाएगी वापस, नहीं जाएगी वापस, पाकिस्तान मैं क्यों जाऊँ, कहीं पाकिस्तान को पैसा मिला हुआ है, आराम से रह, शांति से, अरे मुझे सीमा से दिक्कत है और मंदिर से प्यार है, क्या क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल सीमा है रहेगी, लेकिन रास्ता में विरोध कर रही है, अरे भाई एक बार बोलो, ये लोग पागल हो रहे हैं, यहाँ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है हम लोग, आपने कितने बांग्लादेशी निकाले, आप सीमा को नहीं भेजेंगे, नहीं है? नहीं भेजेंगे, वो सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी, शर्म आती आनी चाहिए ठोकराइन बोलने से पहले, कोई भारत की बहू नहीं है, ये तुम्हारी बहू है सबकी, आप हिंदू हो गए, ये सवाल कर रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुम करो विरोध, करो बेटा विरोध करो, हिंदू हो तुम हिंदू हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अगर मानेंगे तुम हिंदू हो, ले बेटा पीछे रह, पीछे रह, अपना आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, ये पढ़ो, ये देखो क्या है, हिंदुस्तान की वो भाभी है, कोई भी कुत्ता बिल्ली आ जाए तो सीमा हैदर को यहाँ से वापस भेजने आई हूँ, यहाँ सीमा हैदर है, वो सीमा सचिन नहीं है, जो मीडिया वालों ने, जो लोगों ने उसको एक हवा बना दिया ना, वो सबसे सबसे गरीब बात है, बोल रहे नहीं जाएगी, बोल रहे नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान से उसका भाई आता तो आप रखेंगे, जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में लड़कियों को, जो पाकिस्तान में मारा जा रहा है, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ ये लोग वहाँ जाएंगे, ये लोग जाएंगे जो कह रहे हैं सीमा नहीं जाएगी, सीमा से दिक्कत है, अरे मुझे सीमा से दिक्कत है और मंदिर से प्यार है, प्यार में आई है, उसका पैगाम लेके आई, माता जी सनातनी बन गई हो, सनातनी बन गई सीमा, सनातनी बन गई सीमा हैदर, सुनो सुनो सीमा हैदर, सीमा को हैदर से भी प्यार हुआ था और प्यार में चार बच्चे, अरे भाई एक बार बोलो, इधर आओ इधर आओ, वहाँ पर रुको, सुनो सुनो सुनो, वहाँ पर जो मंदिर टूट रहे, आपने रोहिंग्या कितने आए, वहाँ पर जो मंदिर कितने आपने कोई निकाला, माता जी वो तो सुना, कोई रोहिंग्या निकाला, क्या क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल सीमा है रहेगी, लेकिन रास्ता में विरोध कर रही है, आप लोग यहाँ पर आए हुए कह रहे पाकिस्तान के अब्बू की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, क्या कहेंगे आप लोग, बिल्कुल सही कहेंगे हम लोग, ये तो जागीर कोई पाकिस्तान से, जो भी कोई उठ के आ जाओ, जो भी उठ के आ जाएगा, क्या प्यार के लिए यहाँ आई है, प्यार से आई है, सबको पता है प्यार के लिए नहीं आई है, वो क्या क्या आई है, क्या कहेंगे आप इस पर, हम इस बारे में कहेंगे भैया सरकार जरूर उसमें कानूनी कार्रवाई करे, ये लोग पागल हो रहे हैं, यहाँ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है हम लोग, रोहिंग्या कितना निकाले आपने, कोई भी आ जाएगा, रोहिंग्या निकाले आपने, आप सीमा हैदर को नहीं, बांग्लादेशी निकाले आपने, कितने बांग्लादेशी निकाले, आप सीमा को नहीं भेजेंगे, नहीं है? नहीं भेजेंगे, ये तो बोल रहे सीमा को नहीं भेजेंगे, सीमा को तो भेजना चाहिए, उसका घर यहाँ नहीं है, उसका कितने निकाले, ठीक है आइए, अब इधर आइए, इधर इधर माता जी यहाँ बोल रही है, घर उजाड़ देगी तब तुम्हें पता लगेगा कि प्यार अंदर होता है कि प्यार मारने के लिए आता है, लेकिन सनातनी बन गई माता जी, सनातन धर्म अपना लिया है, वो तुलसी में जल डाल रही है, तुलसी अब पवित्र कर दी, जल डाल के तुलसी अब पवित्र कर दी, हाँ। कौन सी तुलसी में, बिल्कुल नहीं, सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी, हर हालत में जाएगी, इसलिए जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों जाएगी वापस, क्यों जाएगी वापस, नहीं जाएगी वापस, नहीं जाएगी वापस इंडिया, यही रहेगी, यही जाएगी, यही रहेगी, पाकिस्तान क्यों जाएगी, पाकिस्तान क्यों जाएगी, रखो क्यों जाएगी, रखिए ना, रख रहे हैं, रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, रखेंगे रखेंगे, पूछताछ है उसकी, इंक्वायरी कर रही है, जो इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी को भी पता नहीं है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा, वो कह रहे समर्थन करते हैं सीमा हमारी भाई है, हाँ तो बहू है, कब बन जाएगी इनको नहीं पता, और बहुत जल्दी बनेगी, उनके ससुर जी भी स्वागत कर रहे हैं, हाँ तो भैया ये स्वागत करेंगे, इनका नेम फ्रेम बन रहा है ना, तो वो स्वागत करेंगे, कल
को जब सीमा घोषित हो जाएगी तब इनको पता लगेगा कि इनकी वजह से कितनी लड़कियां। सीमा हैदर नहीं हूँ भैया, वो चाहे कुछ भी कहे वो सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी। शर्म आती आनी चाहिए ठोकराइन बोलने से पहले। रोहिंग्या मुसलमान भी रह सकते हैं तो सीमा क्यों? तो भैया रोहिंग्या मुसलमान मैं तो कहती हूँ उनको भी निकालो। अरे ये तो इनलीगल तरीके से आई है, निकालो सबको। निकालना बच्चों को, चार बच्चों को लेकर आई है, नन्हे मुन्ने बच्चे। तुम हाँ तो स्वागत करो ना उनका, तुम लोग स्वागत करो, हम नहीं करते। सीमा भाभी है, भाभी कह रहे हैं लोग, कह रहे सीमा भाभी है। तो तुम्हारी सीमा भाभी भी है, भौजी भी है, करो स्वागत। हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। हम तो यहाँ से निकालेंगे, हम तो यहाँ से निकालेंगे। कोई भारत की बहू नहीं है, ये तुम्हारी बहू है सबकी। आप विरोध क्यों कर रही है, इतना विरोध क्यों कर रही है? बिल्कुल भाई, मुझे और भी बच्चियाँ दिखती हैं, मुझे अकेली सीमा इधर दिखती है और बच्चियों के साथ। आपने दो दिन पहले ही बोला था आप हिंदू हो गए, ये सवाल कर रही हैं। सुनो, आप हिंदू हो गए सवाल कर रही हैं हमारे हिंदुओं के साथ, आप लोग सोचिए। गांव वाले आपका ही विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम करो विरोध, कोई बात नहीं बेटा, तुम करो विरोध, करो बेटा विरोध करो। हिंदू हो तुम हिंदू हो, हिंदू दिखाएंगे प्रूफ, दिखाओ हिंदू को, क्या प्रूफ है हिंदू को? मुसलमान की सपोर्ट है, मुसलमान कर रहे, कहीं पाकिस्तान से पैसा मिला हुआ है? पाकिस्तान मैं क्यों जाऊँ, यहाँ कैसे आ गए फिर? अरे भाई आराम से, ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे जाके नहीं, संदेश क्या देना? कोई संदेश नहीं, आगे जाके हम बात करेंगे, इनके सामने हम बात नहीं करेंगे, मैं बात नहीं करूंगी। अपना आधार कार्ड दिखाओ, जब मानेंगे तुम हिंदू हो, हैं? आधार कार्ड लोग सर कर लो, आराम से रह, शांति से। एक बात बता मेरा बच्चा, जो सीमा की वजह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में हम क्या कहें बताओ? जो मंदिर टूट रहा है क्या कहें? क्या पे हम तो ये कहने पहुंचे थे कि भाई सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ ना रहे, क्योंकि वो जो लड़कियाँ मर रही हैं, जो लड़कियाँ मर रही हैं उसका क्या? जो मंदिर टूट रहे उसका क्या? जो लड़कियाँ मर रही उसका क्या? जो लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म हो रहा है उसका क्या बेटा, ये बताओ। आधार कार्ड दिखाओ अपना, क्यों नहीं है तुम्हारा आधार कार्ड? कहाँ है? दिखाओ आधार कार्ड, आधार कार्ड दिखाओ अपना, दिखाइए ना आधार कार्ड। माता जी क्या कहेंगे जिस तरह के सनातनी वजह है विरोध? क्यों गांव में विरोध इसलिए? ये ले बेटा, पीछे रह, पीछे रह, अपना आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा, ये पढ़ो, ये देखो क्या है, जिस तरीके से भी दिखाइए अपना, ये देखो, ये देखो आधार कार्ड देख लिए, संतुष्ट हो गए? ये भी तो नकली हो सकता है। अच्छा चलो, माता जी भरोसा नहीं कर रहे हैं आप, अभी कर रहे हैं, आ गया भरोसा क्यों नहीं कर रही है बताइए? भरोसा आ गया, छोड़ दो। आप देखिए आस्थामा यहाँ से जा रही है, तमाम हुजूम देखने को मिल रहा है, तमाम ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। और आस्थामा आप क्यों जा रही है यहाँ से? आस्थामा क्यों जा रही है? तमाम हुजूम कहोगे जो आस्थामा आई थी आधार कार्ड मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे इस पर? विरोध हो रहा है जी, विरोध कहें, हमने आधार कार्ड देखो उसके लिए कह रहे हैं कि आधार कार्ड गलत है, सीमा जी का आधार कार्ड गलत है, तो मैंने भी जिससे आधार कार्ड मांगा मैं, तू अपना दिखा आधार कार्ड दिखा था। कहेंगे भाई विरोध हो रहा है जिस तरीके से सीमा हैदर का गांव में आकर विरोध कर रहे हैं, आधार कार्ड गांव में आकर विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? भैया देखो गलत विरोध कर रहे हैं यार, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो गलत है चाचा, एक मिनट, वन मिनट, अगर वो गलत है तो उस पर एटीएस की टीम छानबीन कर रही है, अगर वो उसका जासूसी का कोई निर्णय निकलता है तो वो जेल जाएगी, अगर ठीक है तो भैया वो हिंदुस्तान में रहेगी, हिंदुस्तान की वो भाभी है। सरकार की जो नीति रहेगी वो सरकार चाहेगी वो होगा, कोई सरकार हमारी यहाँ की पागल नहीं है क्या? अगर कोई गलत पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान भेजेंगे सीमा हैदर को? नहीं, पाकिस्तान भेजेंगे जेल में। सुनो, अगर वो गलत निकलती है तो सबसे पहले उसको जेल होगी, पहली बात तो, क्योंकि अगर गलत होगी तो बाद में वो उसको वापस भेजेंगे तो वो गलत और लेके आएगी, पहली बात तो वो गलत मुझे लगती नहीं है। कैसे नहीं गलत लगती आप कैसे बोलते? ऐसे नहीं लगती है कि उसके चार बच्चे हैं यार, उसको बच्चों को लेके आएगी क्या मरवाने के लिए? अगर वो अगर जासूस होती तो वो अकेले आती भाई,